हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गरीबों, मजलूमों, निराश्रितों के लिए बनाए गए कम्युनिटी किचन का मंडलायुक्त जयंत नालिकर और डीआईजी राजेश जी मोडक ने किया औचक निरीक्षण। व्यवस्था से दिखे संतुष्ट, कहा लोगों के घरों तक भोजन और राशन पहुँचाने में हो रहा उपयोगी। लॉकडाउन के दौरान पढ़ने वाले दूसरे जुमे को भी मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में ही अता की नमाज। एसपी सिटी और डीआईजी रेंज ने कहा स्थिति सामान्य। शुक्रवार को डीएम, एसएसपी सहित अन्य अधिकारी ने कोरोना वायरस के लिए बने लेवल 1 के हॉस्पिटल, होम क्वारंटाइन व सब्जी मंडी का किया निरीक्षण। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जामा मस्जिद उर्दू बाजार के शाही इमाम अब्दुल जलील मजाहिरी ने कौम से की अपील, कहा लॉकडाउन का करें पालन, बाहरी व्यक्तियों की सूचना दें जिला प्रशासन को, घरों में पढ़ें नमाज, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी रेंज राजेश डी मोडक ने कहा पूरे रेंज में हो रहा है लॉकडाउन का पालन, जमात में शामिल लोगों को रखा गया है आइसोलेशन वार्ड में। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने महेवा मंडी में लग रहे सैनिटाइजर केबिन का किया निरीक्षण, कहा मंडी में आने वाले व्यापारियों को संक्रमण से मिल सकेगी राहत। कोरोना से बीआरडी में मौत के मामले में जिला अस्पताल में भर्ती एम्बुलेंस चालक सहित 4 की जांच मिली कोरोना निगेटिव। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एके सिंह ने कहा भर्ती मरीजों को डिस्चार्ज कर 14 दिन के होम क्वारंटाइन का दिया गया निर्देश। जामा मस्जिद उर्दू बाजार के शाही इमाम ने लोगों से की अपील, कहा मजलूमों को भोजन के साथ कुछ नगद धनराशि भी उपलब्ध कराए समाज सेवी और संभ्रांत वर्ग के लोग, जिससे वे दवा खरीद सकें और करा सकें अपना इलाज। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त ने कहा कोरोना वायरस के बचाव के लिए नगर निगम द्वारा महानगर के सभी वार्डों को 6-6 दिनों पर कराया जा रहा है सैनिटाइज, साफ सफाई की व्यवस्था पर दिया जा रहा है ध्यान। एडीएम सिटी ने महेवा मंडी का किया निरीक्षण, व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के दिए निर्देश, कहा अपने मुंह पर जरूर लगाएं मास्क या गमछा। लॉकडाउन के दौरान एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह और एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने शहर की स्थिति का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लॉकडाउन के दौरान महेवा सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में आई गिरावट, थोक और फुटकर दामों में देखने को मिला काफी अंतर। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भ्रमण कर कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही नमाज अदा करने की गई अपील, जरूरतमंदों में खाद्य सामग्री किया वितरण। ग्रामीण क्षेत्र में जन सहयोग से मुख्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी टीपी वर्मा के नेतृत्व में गरीब और असहाय लोगों में खाद्य सामग्री का किया गया वितरण, सोशल डिस्टेंस का किया गया पालन। लॉकडाउन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं और तिवारीपुर थाना के सहयोग से बेसहारा और विक्षिप्त लोगों को कराया जा रहा भोजन, जिससे मिल सके भूख से राहत। और लॉकडाउन के 10वें दिन शुक्रवार को भी महानगर की सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, पूरे चौराहे पर लॉकडाउन का पालन कराते नजर आए पुलिस के जवान।